कितना तेज कड़क स्ट्रॉन्ग स्वादिष्ट थोड़ा है। चैनल पर दिए हुए नंबर पर फोन करके मशीन के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं और इसका रेट वगैरह के बारे में भी जान सकते हैं। देखिए सर कितना कड़क तेज और स्ट्रॉन्ग थोड़ा है, क्योंकि इसमें काफ़ी सिस्टम हमने लगाया हुआ है। जैसे बड़े मशीन में सिस्टम लगाते हैं, वैसे ही ये छोटे मशीन में सारे सिस्टम लगे हैं, आप देख सकते हैं। और हमारी चैनल बढ़िया लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए। दोस्तों इजी कूल 16 मशीन कंपनी में आपका स्वागत है और हम लाए हैं बर्फ और पानी से चलने वाला मिनी मशीन, यानी कि एक छोटा सा मशीन जो कि कम बजट में आप ठेला है ठेले में लगा सकते हैं, टेम्पो में लगा सकते हैं, और आपका जैसे कि खोखा है या कहीं पर कैबिन है छोटा सा, पान पार्लर है या कुछ भी है, मीन छोटी सी जगह है, तो आपको सोडा का आप व्यापार करना चाहते हो तो बहुत ही कम बजट में हम ये मशीन लाए हैं, बिना इन्वर्टर बैटरी से चलने वाला और बिना बिजली से चलने वाला, सिर्फ बर्फ और पानी से चलता है ये मशीन। और आप मेरा पूरा वीडियो देखें सर, हमने इसके अंदर बहुत सारा मॉडिफाई करके ये मशीन बनाया है, तो जो कि मार्केट में और भी लोग बेच रहे हैं ये ऐसे मशीन। वो क्या है कि सीधा टंकी बना दिया, उसमें गैस का कनेक्शन लगा दिया और बस सोडा बन गया, वो सोडा मशीन के नाम पे बेच रहे हैं। लेकिन खरीदने के बाद क्या सोडा बनती है? यूट्यूब पे तो कोई भी चैनल दिखा देगा, लेकिन आप और भी चैनल देखिए सर ऐसे छोटे मशीन की, बर्फ और पानी से चलने वाले की, और हमारी वीडियो देखिए हमने क्या क्या इसमें मॉडिफाई किया है, क्या क्या सिस्टम लगाया है, और इसके अलावा हमने इसके अंदर क्या सिस्टम लगाया है और क्यों लगाया है, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। और किस वजह से सोडा बनता है मशीन में स्ट्रॉन्ग कड़क तेज स्वादिष्ट, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। चाहे आपका दिल करे वहीं से आप लीजिएगा, लेकिन कभी भी क्वालिटी बिल्कुल सस्ता नहीं होता है, और बिल्कुल सस्ता कभी क्वालिटी नहीं होता है। हाँ, व्याजबी रेट से जरूर होता है, और हमने व्याजबी रेट ही बनाया है। और ये जो मॉडल है ये तकरीबन आपको 400 से 500 रुपए का व्यापार करके देगा, 30 से 40 रुपए के बर्फ में आपको 400 से 500 रुपए का व्यापार करके देगा, जिसमें आप एक गिलास प्लेन सोडा निकालते हैं, तो आपको एक गिलास प्लेन सोडा जो कि आपको 30 से 40 पैसे की बन के निकलेगी, क्योंकि हर जगह बर्फ का रेट कम ज्यादा होता है। अगर कम है तो आपको 20-25 पैसे में एक गिलास बन के निकलेगा, और बहुत ज्यादा आई पाई बर्फ का रेट है तब भी आपको 30 से 40 पैसे से ज्यादा कॉस्ट घर में नहीं बनेगी प्लेन सोडा एक गिलास का। उसके अंदर आप 1 रुपए 10 पैसे का फ्लेवर यूज करेंगे तो आपको 1 रुपए 50 पैसे का एक गिलास 60 पैसे का या 50 पैसे 1 रुपए का आपको बन के निकलेगा, जो कि आप उसको कांच के गिलास में अगर व्यापार करते हैं, लोकल काम है, छोटा काम है, तो आप कांच के गिलास में भी व्यापार कर सकते हैं। बढ़िया क्वालिटी का कांच का गिलास रखना है तो आपको 1 रुपए 60 पैसे में 10 रुपए का ये सेलिंग होगा। और अगर आप डिस्पोजल गिलास रखते हैं तो डिस्पोजल गिलास लगाने के बाद आपको 2 रुपए 30 पैसे का बन के निकलेगा, वो भी आपको डिस्पोजल ग्लास 70 से 80 पैसे का आप लगाएंगे तो 2 रुपए 30 पैसे का बन के निकलेगा और 10 रुपए का बिकेगा। उसके अलावा ये 2 फ्लेवर गैस वाले हैं, जो कि 2 ही फ्लेवर का मशीन है, और एक प्लेन सोडे का लीवर ये जो हमने दिया है, यहाँ से प्लेन सोडा निकलता है। अभी हम आपको टोटल सब कुछ निकाल के बताएंगे, पहले आप जानकारी ले लीजिए सर कि इस मशीन में हमने क्या क्या सिस्टम लगाया है और क्यों लगाया है, उस वजह से कितना कड़क और तेज सोडा स्ट्रॉन्ग बन के निकलता है। मार्केट में सबसे हटके ये मशीन है, आप देखेगा आप और वीडियो भी और ये वीडियो भी, आपको बहुत कुछ इसमें डिफरेंस दिखाई देगा, जो कि ये प्लेन सोडा इसलिए है कि आप अगर वाल नहीं है तो आप फ्लेवर को बोतल में भर के रख सकते हैं, और एक गिलास में 35 ml फ्लेवर आपको लगाना है बोतल में से, और यहाँ से प्लेन सोडा निकाल के भर के दे देना है, पूरा सोडा तैयार हो गया। जैसे कि वाल में बनता है ऐसे आप ऊपर से भी तरह तरह के बना सकते हैं। आइए मैं अब इसकी आपको मशीन के बारे में जानकारी देता हूँ। मशीन के अंदर हमने इसमें यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम दे दिया है, और यहाँ से ड्रेनेज का पाइप है और ये डोर है, इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, परचूटन पैसा, PVC पैकिंग वगैरह, और
यहाँ पर दो फ्लेवर वाले वाल हैं, एक प्लेन सोडे का सिस्टम है, उसके अलावा हमने इसके अंदर पंप लगाया हुआ है जो कि वो पंप पानी को रोटेट करता है और सोडे की जो गैस होती है उसमें मिक्स करता है। उसमें मिक्स करने की वजह से पानी सोडे को पकड़ेगा, तभी जाके सोडा तेज स्ट्रॉन्ग कड़क स्वादिष्ट बनता है, वरना अंदर सिर्फ गैस का कनेक्शन लगा दिया तो सोडा बनता नहीं है। पूरी रात में भी सोडा जितना तेज मिलना चाहिए उतना 12 घंटे में भी नहीं मिलता है। आपको इस मशीन में बर्फ और पानी भरना है, बर्फ फुल छोटे छोटे टुकड़े करके भर देना है, तकरीबन 30 या 40 रुपए का बर्फ एक बार में जाएगा और आपको 400 से 500 रुपए का व्यापार करके ये मशीन देगा। तो ये हमने एक एसी का प्लग दे दिया है, आपको ये प्लग सिर्फ आधा घंटा लगाना है बिजली में। अगर आपको बिजली मिलती है तो आधा घंटा लगा दो, नॉर्मल सा पावर होगा, जीरो प्लग की तरह, उससे भी कम पावर ये लेगा। सिर्फ पंप पानी को रोटेट करेगा, सोडा बनाएगा। ये 230 का भी एक कनेक्शन हमने यहाँ पर लगा दिया है और यहाँ पर हमने बैटरी का 12 वाट का कनेक्शन भी लगा दिया है। अगर आप अपने बाइक की, स्कूटर की या स्कूटी की कोई भी छोटी से छोटी बैटरी भी आधा घंटा ये माइनस प्लस लगा देंगे और यहाँ से स्विच ओके कर देंगे तो सिर्फ आधा घंटा चलाना है, आपको आधा घंटा पानी घुमाना है, उसकी वजह से सोडा कड़क स्वादिष्ट और स्ट्रॉन्ग बनता है। वरना पंप के बिना सोडा बनना बहुत मुश्किल है, चाहे आप कहीं से भी मशीन लो। कितना भी आपको यूट्यूब पर कोई भी बताएगा कि हमको कोई भी जरूरत नहीं है पंप लगाने की, ऐसे ही बन जाता है सोडा, तो वो बात गलत है सर। इसलिए जो जरूरी है, जो सिस्टम जरूरी है, हमने वो लगाया है। तो हमने ये लगाया है और हमने इसके अंदर बर्फ पानी भर के और आधा घंटा बैटरी का पावर सप्लाई यहाँ से हमने दे दिया है, सिर्फ आधा घंटा, और ये इसमें सोडा बन के तैयार हो गया है। इस मशीन के साथ हमने CO2 गैस का मीटर दिया हुआ है सर, जो कि आप देख सकते हैं, ये मीटर है जो गैस के सिलेंडर पे लगेगा। और उसके अलावा ये बीकर सेट दिया है जो कि फ्लेवर बनाने के लिए नाप तोल से पानी चीनी लेना है और छान के भरना है। ये मसाले के डिब्बे हैं और ये हमने 5000 गिलास का फ्लेवर पैक कर दिया है। और ये सामान का हमने टूल किट पार्ट्स इसकी जरूरत नहीं है, बहुत ही कम है, कभी बाय चांस 6 महीने 1 साल के बाद जरूरत पड़े तो हमने ये पार्ट्स दे दिया है। रबड़ की रिंग है, छोटे से कनेक्शन है, मसाले का डब्बा है जो गिलास में छिड़क के नाकने का रहता है, और ये 2 टैंक हमने पैक कर दिया है, मशीन का डिलीवरी देना है। और ये गैस का पाइप है सर, अभी हमने मशीन के अंदर कुछ भी अटैच नहीं किया है, सिर्फ प्लेन सोडा है, पानी और बर्फ भरा है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको पानी और बर्फ भरने का सिस्टम भी यहाँ से बता दूँ। ये हमने फोल्डिंग बनाया है, ये आपको हटा देना है सर। और उसके अलावा यहाँ पर हमने ये ढक्कन दिया हुआ है, अगर आपको इसमें पानी और बर्फ भरना है तो आपको यहाँ से ये वाल खोलना है और बचा हुआ जो भी हवा पानी है वो ख़त्म करके यहाँ से ये ढक्कन खोल लेना है, कुकर की स्टाइल में, बिल्कुल कुकर की स्टाइल में। और ये ढक्कन कुकर की स्टाइल में ही लगाना है और पैक करना है बरोबर। यहाँ से आप खोल के बर्फ़ और पानी भर सकते हैं, एक बार आप बर्फ़ और पानी भर देंगे तो आपको 400 से 500 रुपए का व्यापार आसानी से करके देगा। ये छोटा सा मशीन है और देखिए ये जो फ्लेवर टैंक से जो अटैच होते हैं कनेक्शन, वो अभी खुले हैं, हमने ये पैक कर दिया है, डिलीवरी देना है ये मशीन को, हमको देना है तेजपुर आसाम में, वर्षिष्ठा जी नाम है उनका, उनको दिया है। तो अभी हम इसका डिलीवरी देंगे और इसका जो भी है, कुछ भी कारीगरी नहीं है सर, जो भी बंदा मशीन खरीदेगा वो अपने आप ही चालू कर लेगा। जहाँ बिजली पानी नहीं है वहाँ आपको सिर्फ आधे घंटा बैटरी को लगाना है बर्फ और पानी भर के, और आपको कड़क तेज और स्वादिष्ट सोडा बन के निकलेगी। दोस्तों इस मशीन में से कितना कड़क तेज और स्वादिष्ट सोडा बन के निकलती है मैं आपको निकाल के बताता हूँ। आप देखिए कितना तेज कड़क स्ट्रॉन्ग स्वादिष्ट सोडा है। चैनल पर दिए हुए नंबर पर फ़ोन करके मशीन के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं और इसका रेट वगैरह के बारे में भी जान सकते हैं। देखिए सर कितना कड़क तेज और स्ट्रॉन्ग सोडा है, क्योंकि इसमें काफ़ी सिस्टम हमने लगाया हुआ है, जैसे बड़े मशीन में सिस्टम लगाते हैं वैसे ही ये छोटे मशीन में सारे सिस्टम लगे हैं, आप देख सकते हैं। और हमारी चैनल बढ़िया लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
दोस्तों को शेयर भी कीजिए, बेल आइकन का घंटी जरूर दबाइए ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। ये देखिए सोडा कितना तेज कड़क स्वादिष्ट है, बड़े मशीन में भी इसी प्रकार का सोडा चलेगा निकलेगा हमारे मशीन में। हम क्वालिटी काफ़ी बेहतर क्वालिटी बनाते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़िया क्वालिटी में और मशीन बना के देंगे। कैपेसिटी भी आपके जो रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से बना के देंगे। ओके सर।